लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। संबल योजना में घोटाले के आरोप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीसी शर्मा पर किया पलटवार, कहा कि संबल योजना में जो पात्र थे उनको सरकार लाभ नहीं देना चाहती। दिल्ली के भवन में आयोजित सर्वश्रेष्ठ मंत्री का सम्मान कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी को दिया गया। जीतू पटवारी को यह सम्मान कर्मठ श्रेणी में दिया गया। अयोध्या मामले में असदुद्दीन ओवैसी की ओर से आए बयान को लेकर छिड़ी बहस, ओवैसी के खिलाफ दर्ज की कार्रवाई शिकायत, अधिवक्ता पवन कुमार यादव ने पुलिस को दिया आवेदन। संबल योजना में घोटाले के आरोप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीसी शर्मा पर पलटवार किया है। शिवराज का कहना है कि संबल योजना में जो पात्र थे उनको सरकार लाभ नहीं देना चाहती है। घोटाला अगर हो गया है तो करने वालों को जेल भेजो, कौन मना कर रहा है। शिवराज ने आगे कहा कि गरीबों के हक छीनने वालों को जवाब जनता देगी, जो करना है करो। तीन क्राइटेरिया थे, उसके आधार पर संबल योजना का लाभ दिया गया। इस सरकार ने गरीबों का गला घोट दिया और संबल योजना बंद कर दी। गरीब की लाश से कफन के 5,000 छीन लिए, क्या बात करेंगे, जवाब दे सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। ऐसे बोराए और बौखलाए हुए लोग जो प्रदेश को लूट लूट के खा रहे हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, पूरा मध्य प्रदेश तबाह करने पर लगे हुए हैं। अब जब हम मांग करते हैं कि बिजली के बिल 200 लो तो पता नहीं कहां से निकाल लाते हैं। तीन क्राइटेरिया थे संबल के। नंबर एक, शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। नंबर दो, इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। और नंबर तीन, 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। इसके नीचे वाले जितने वो संबल योजना में पात्र थे और ये सरकार उनको लाभ नहीं देना चाहती, इसलिए पता नहीं कहां से घोटाले की बात लेके आ गए। शर्माना चाहिए, काय का घोटाला? गरीबों को लाभ देना घोटाला है क्या? हर बात पे नहीं देना तो घोटाला हो गया। घोटाला हो गया तो करने वालों को जेल भेज दो, कौन मना कर रहा है? लेकिन रोज रोज ये हो गया वो हो गया। गरीबों के हक छीनने वालों, जनता देगी इस बात का जवाब। और जो करना है करो, तीन क्राइटेरिया थे उसके आधार पर जो गरीब थे, निम्न मध्यम वर्गीय थे, उनको संबल योजना का लाभ दिया और इस सरकार ने गरीबों का गला घोंट दिया, संबल योजना बंद कर दी। दिल्ली के भवन में आयोजित सर्वश्रेष्ठ मंत्री का सम्मान कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी को दिया गया। जीतू पटवारी को यह सम्मान कर्मठ श्रेणी में दिया गया। बता दें कि फ्रेम इंडिया द्वारा देश भर में किए गए सर्वे के आधार पर 21 मंत्रियों को अलग अलग श्रेणी में यह सम्मान दिए गए। जीतू पटवारी को यह सम्मान लोगों के बीच लोकप्रियता और उनके दूरदर्शी काम की सोच को लेकर दिया गया है, जिसके बाद जीतू पटवारी ने कहा कि दिल्ली में फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री अवार्ड पाकर अभिभूत हूं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जनमानस की सेवा की असीम प्रेरणा, राहुल गांधी के जनसमर्पण और मुख्यमंत्री कमलनाथ के मार्गदर्शन से इस मुकाम तक पहुंचा हूं। कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने इस दौरान पूर्व की भाजपा सरकार पर भी संबल योजना को लेकर जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। मध्य प्रदेश का सम्मान है, कमलनाथ जी का व्यक्तित्व है, कमलनाथ जी की कार्यशैली है, उसके निर्देश अनुसार विभागीय निर्णय हमने लिए और उससे हम आगे बढ़े। अयोध्या मामले में शनिवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से आए बयान को लेकर जहां बहस छिड़ी हुई है, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत जहांगीराबाद थाने में की गई है। अधिवक्ता पवन कुमार यादव ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा कि उन्होंने अयोध्या मामले में आए 8 नवंबर के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने ओवैसी पर देशद्रोह और धर्म विशेष के लोगों को भड़काने पर एक FIR दर्ज कराने की मांग की है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। देश भर में प्याज की कीमतों को लेकर फिर से सरगर्मियां शुरू हो गई है। भोपाल में प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं दिल्ली में भी प्याज के दामों ने आम लोगों के आंखों में आंसू ला दिए हैं।
लेकिन इन बढ़ते दामों के बावजूद प्याज उगाने वाले किसानों को ज्यादा दाम नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी प्याज के लिए जानी जाती है। यहाँ के किसानों का कहना है कि इन्हें मंडी में प्याज का औसत दाम 20 से 25 रुपए किलो ही मिल रहा है, जबकि कुछ एक प्याज के ढेर 35 से 40 रुपए किलो बिके हैं। नीमच जिले में पिछले महीनों बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से प्याज की फसल तो खराब हुई ही सही, साथ ही साथ किसानों के घरों में पड़ा प्याज भी तबाह हो गया था। किसानों का खुला आरोप है कि प्याज के दामों में तेजी का कारण वह व्यापारी है जिन्होंने स्टॉक करके रख रखा था, जबकि प्याज उगाने वाले किसानों को तो अभी भी नुकसान ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि प्याज की लागत बहुत ज्यादा आती है और नुकसान की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा रहती है। देश में जो प्याज की कीमतों में तेजी बताई जा रही है, उससे प्याज उगाने वाले किसानों को तो फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन स्टॉक करने वाले व्यापारियों को बहुत फायदा मिल रहा है। किसानों का कहना है कि यदि नीमच में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो तो किसानों को भी फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि व्यापारी को जैसे तैसे करके स्टॉक रख लेता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी फायदा मिलता है। वही मंडी निरीक्षक भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। और हमने असल प्याज लेकर आया था, मेरा प्याज काफी कम भाव में बिका है, जो कि 23 रुपए किलो बिका है। एक तो बरसात के कारण खराब हो गया है प्याज, और दूसरी बात ये है कि जो खर्चा लगा रहा है वो भी किसान को नहीं मिल पा रहा है। सही, ये व्यापारी है जो इनकी मनोपाली से कुछ भी भाव राव लगा के बेच रहे हैं। किसान बेचारे टीवी न्यूज पे देख रहे हैं, कहीं बोल रहा है 100 रुपये प्याज बिक रहा है, कोई बोल रहा है 70 रुपये बिक रहा है। भाव सुन के आ रहा था यहाँ पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ऊंचे में प्याज या 45 रुपए में, नीचे में 20 रुपए प्याज बिक रहा है, उससे किसानों की खर्चे की लागत नहीं निकल पा रही। मंडी में प्याज की स्थिति, प्याज की स्थिति है 1850 छोटे वाले और बड़े वाले की 4000 तक। आपने क्या क्या रेट बिका है? हमारा रेट बिका 1850। पिछले और ये स्टॉक करने वाले व्यापारी लोगों को ही फायदा मिलता है इसका। किसान के पास स्टॉक करने की व्यवस्था भी नहीं है, और केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने किसानों को ऐसी कोई मदद नहीं की जो स्टोरेज कर सको। इस वजह से जो है किसानों का प्याज सस्ता बिकता है। इस वजह से किसानों का प्याज तो सस्ता बिकता है, पर जब फसल पके उस टाइम तो सस्ता हो जाता भाव, और स्टॉक किया और उसके बाद भाव चलता है। वर्तमान समय नीमच मंडी में खरीफ सीजन की प्याज आने लगी है और तरह तरह आवक बढ़ रही है। आज लगभग 2000 कट्टे आए हैं और वो क्वालिटी के हिसाब से बिक रहे हैं, 1800 लगा के 4500 तक। जैसे प्याज क्वालिटी है उस हिसाब से भाव मिल रहे हैं, और वर्तमान समय में किसान को भी अच्छे भाव मिल रहे हैं। आवक बढ़ेगी तो थोड़ा भाव माइनस में होंगे, थोड़े घटेंगे। आवक बढ़ी है, धीरे धीरे बढ़ रही है, और जो बाढ़ पहले तेजी आई थी बाढ़ सेंटरों पर, प्याज का उत्पादन जो था स्टार निकल चुका है, प्याज कम आ रही थी, प्याज नहीं पहुँचने की वजह से महंगा बिका प्याज। भगत सिंह चौहान, हाँ, वर्तमान समय नीमच मंडी में कोई ऐसी कोल्ड स्टोर की व्यवस्था नहीं है, किसान अपना प्याज नहीं रख पाता है, इसलिए जो है जो प्याज आती है वो मार्केट में बेचते हैं, और उनसे जो तेजी आती है उनको अच्छे रेट नहीं मिल पाते। जहाँ मतलब भोपाल वगैरह बड़े शहरों में कोल्ड स्टोर है, तो वहाँ जो प्याज रखी रहती है किसानों को, उनके अच्छे दाम मिलते। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन बेहद सतर्क है। जिला प्रशासन ने 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या की सुरक्षा को लेकर काफी सराहनीय सुरक्षा व्यवस्था की। अब कार्तिक स्नान को लेकर सुरक्षा में कोई चूक नहीं करना चाहता है। अयोध्या शहर में COCT अरविंद चौरसिया के नेतृत्व सुरक्षा बलों ने रूट मार्च किया। शहर के संवेदनशील स्थल पर COCT ने ड्रोन कैमरा के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखा। अयोध्या में सुरक्षा के लिहाज से 10 ड्रोन कैमरे की तैनाती की गई है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। क्षेत्र का, पूरे शहर क्षेत्र का, लगभग हर चौकी क्षेत्र में हम लोगों ने RF लेके भ्रमण भी किया, कहीं किसी तरह की कोई बात प्रकाश नहीं आई। लोगों से मिलकर हम लोग कुशल क्षेम भी पूछे, सब लोगों ने संतोषजनक उत्तर दिया, कहीं किसी तरह की बात प्रकाश में नहीं आया। तीसरा दिन है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण यहाँ वातावरण है। पूरी मार्केटें, आवागमन इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि जैसे पूर्वोत्त होता रहा है अयोध्या में, ऐसा ही सब कुछ सामान्य हो चुका है। आज एक जुलूस है हमारे यहाँ सिख कम्युनिटी का, जिसको हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूरी तरफ चाक चौबंद लगा कर उस जुलूस को सकुशल पार कराएंगे। उसी के दृष्टिगत आज ड्रोन कैमरे का ये कसाब बढ़ा ही रहा है, क्योंकि हमारा संवेदनशील माना जाता है। यहाँ पर हमने ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की है चारों तरफ, कि कहीं कोई पेंटिंग ना हो, कोई अदर चीज़ें ना हो।
जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के तहत ये ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।